हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर के बारे में। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज की रैंक, कॉलेज का ग्रेड, कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, कॉलेज से नियरेस्ट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पर हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंट, टोटल कितनी ब्रांचेस है इस कॉलेज में और हर एक ब्रांचेस में टोटल कितनी सीटें हैं। थर्ड नंबर पर हम देखने वाले हैं एमएससी सिटी का कट ऑफ, जो कि लास्ट ईयर का है। हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ देख लेंगे। फोर्थ नंबर पर हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से फीस भी देख लेंगे। पाँचवें नंबर पर हम देखने वाले हैं कॉलेज के हॉस्टल के बारे में, तो इनटेक कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितने हॉस्टल है गर्ल्स बॉयज़ के लिए और कितनी फीस है, ये भी देख लेंगे। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है प्लेसमेंट, तो हम हर एक ब्रांच वाइज और अकेडमिक ईयर के हिसाब से प्लेसमेंट देख लेंगे। हर एक ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज क्या गया, एवरेज पैकेज। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कॉलेज की इमेज दी गई है और कॉलेज का लोगो दिया गया है। सबसे पहले हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज हमारा 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था। लगभग आज से इस कॉलेज का 26-27 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर है। कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो कॉलेज हमारा बलसरा बाईपास रोड चंद्रपुर 4,42,403 में आ जाता है। अब हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, अफिलेटेड बाय गोंडवाना यूनिवर्सिटी से, और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है, www.gcoeac.ac.in। तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब हम कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो नागपुर एयरपोर्ट है, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो चंद्रपुर है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर। कॉलेज का DTA कोड 4004 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज कोड भी कहते हैं। हम कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज में हमें BTech और MTech की डिग्री मिल जाती है। BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और MTech मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो BTech में हमें यहाँ पे 6 ब्रांचेस मिल जाती है और MTech में 2 ब्रांचेस मिल जाती हैं। BTech में हमें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाता है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो आप देख सकते हो हर एक में कितनी टोटल कैपेसिटी है। और गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम टाइम हर ब्रांच में खाली 60 सीटें दी जाती हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमें हर ब्रांच में 60 सीटें मिल जाती हैं। सिर्फ ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, इसमें आपको 30 सीटें मिल जाती हैं। तो टोटल बीटेक की जो कैपेसिटी है 330 स्टूडेंट की है। एमटेक की बात करें तो एमटेक में हमें यहाँ पे 2 ब्रांचेस मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, दोनों में 18 सीटें। तो टोटल हमें एमटेक में यहाँ पे 36 सीटें मिल जाती हैं। अब सबसे मेन पार्ट आता है आपका कॉलेज का कट ऑफ। तो हमें यहाँ पे MSCCTE 2021 का कट ऑफ दिया गया है। तो हम सभी ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 6 कैटेगरी दी गई है, ओपन हो गया, OBC, SC, ST, EWS एंड TFWS। तो हर एक ब्रांच का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिविल डिपार्टमेंट से स्टार्ट करें तो सिविल का जो ओपन का कट ऑफ था 66.24% आ गया था, OBC का 23.64% आ गया था, SC का 27.21% आ गया था, ST का 6.74% आ गया था, EWS का 19.79% आ गया था, TFWS का 63.94% आ गया था। अब कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 90.15% आ गया था, OBC का 87.94% आया था, ST का 85.27% आया था, ST का 58.98% आया था, EWS का 85% आया था और TFWS का 90.69% आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन और ST में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 90% लग रहा है एडमिशन के लिए, तो ST और ST में आप देख सकते हो ST में तो 58 लग रहा है % और ST में मतलब थोड़ा 10-15% कम हो जाता है। और TFWS का आप देख सकते हो कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, क्योंकि आपको पता है TFWS में कैसा होता है, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आपको 100% ऑफ हो जाती है। तो आपको सिर्फ खाली डेवलपमेंट फीस भरनी पड़ती है। अगर आपकी जो फीस 1 लाख है तो आपको खाली 15-20 हज़ार ही भरना पड़ता है। तो TFWS एक ओपन वालों के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत होते हैं जो मिडिल क्लास से होते हैं 1 लाख भर नहीं पाते, तो उनके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। हर एक कॉलेज में TFWS के लिए 5% सीटें होती हैं। अगर आपकी 60 सीटें, इनटेक कैपेसिटी 60 की है, तो TFWS की आपकी 3 सीटें रहेगी। अगर आपकी कैपेसिटी 120 की है तो टोटल 6 सीटें रहेंगी। और अगर हम TFWS के कट ऑफ की बात करें तो ओपन से मान के चलिए हमेशा 1-2% ज़्यादा ही होता है, और OBC का ओपन से 1-2% कम रहता है कट ऑफ, और SC ST का एकदम कम रहता है। ST का तो एकदम ही ना के बराबर रहता है, कभी 6%, कभी 3%, कभी 40-50, और ओपन का आप देखोगे 70-80-90, ऐसा मतलब हाई जाता है।
अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी कट ऑफ देख लेते हैं, तो ओपन का आप देख सकते हो 65% गया है, ओबीसी का 51% है, एससी का 58% है, एसटी का 47 है, ईडब्ल्यूएस का 41 है, टीएफडीसी का 69% है। ईएनटीसी डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है जो, उसका ओपन का कट ऑफ 74.96% गया है, ओबीसी का 68 है, एसटी का 6% है, एसटी का 38.5% है, ईडब्ल्यूएस का 53% है, टीएफडीएस का 66% गया। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है इसमें आपका ओपन द कट ऑफ 27.41% है, और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये चारों कैटेगरी की सीट यहाँ पे खाली है, वैकेंट मतलब खाली है, सेकंड राउंड में इन कैटेगरी के बंदों ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो सीट वैकेंट थी। और टीएफडीएस का आप देख सकते हो 63.65% गया था। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन द कट ऑफ 54% है, ओबीसी का 18% है, एससी का 10% है, एसटी का 17% है, ईडब्ल्यूएस का 24% है, और टीएडब्ल्यूएस का 50.69% है। अगर आपके परसेंटाइल एकदम कम है, मतलब 60 से 70 के आसपास है, तो इस कॉलेज में आप आराम से कोर ब्रांचेस ले सकते हो, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। और कंप्यूटर की बात करें तो आपको ही पता है हर एक कॉलेज में कंप्यूटर की कितनी डिमांड है, हर कॉलेज का कट ऑफ हमेशा 90+ ही रहता है, 90+, 85+, 80+, मतलब जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना मैक्सिमम जाता है कंप्यूटर का कट ऑफ। और जो कोर ब्रांचेस है मतलब कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़े कम कट ऑफ रहते हैं, और बहुत से कॉलेजेस में तो कोर ब्रांचेस से कट ऑफ एकदम कम रहते हैं, 6% 7% या सीट ही खाली रहती है। अगर आपका 0% भी है तो भी आप वहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत लोगों के जो कट ऑफ आते हैं ना, मतलब 10% से कम आते हैं या 20 से कम आते हैं, तो सोचते हैं उनका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेज हैं जिनकी पूरी 100% सीट खाली होती है, तो आपको 0% में वहाँ पर एडमिशन मिल सकते हैं। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है 15,000 दी गई है, कॉलेज की डेवलपमेंट फीस 39,850 दी गई है, और अदर जो फीस है 25,800 दी गई है। अब हम कैटेगरी के हिसाब से फीस देख लेते हैं हर एक कैटेगरी के हिसाब से। तो जो ओपन की फीस है यहाँ पे आपको 80,650 दी गई है, और आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपकी यहाँ पे फीस है 80,650। EBC, SEBC, EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपकी फीस यहाँ पे 73,150 है, और अगर आप TFWS से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो आपकी फीस यहाँ पे 65,650 है। क्योंकि हर एक प्राइवेट कॉलेज में मतलब जो TFWS की फीस होती है अराउंड 15,000 से 20,000 होती है, क्योंकि उन कॉलेजेस में जो ट्यूशन फीस है बहुत ज़्यादा होती है और वो आपके 100% ऑफ हो जाते हैं TFWS में। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इनमें डेवलपमेंट जो अदर फीस होती है वो ज़्यादा हाई होती है, और जो ट्यूशन फीस है आप यहाँ पे देख सकते हो 15,000 सिर्फ दी गई है। डेवलपमेंट एंड अदर फीस ज़्यादा होने की वजह से इस कॉलेज की जो TFWS की फीस है वो हाई है। अब OBC, VJNT, 1, 2, 3 की बात करें तो उनका जो फीस है यहाँ पे 40,650 दिया गया है। अब SC, ST कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो एकदम ना के बराबर फीस है, सिर्फ 800 फीस है। अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल मिल जाते हैं कैंपस के अंदर। जो टोटल एरिया है बॉयज़ हॉस्टल के लिए 3,132 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और जो गर्ल्स हॉस्टल है हमारा टोटल 2,936 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। टोटल रूम्स की बात करें तो हमें बॉयज़ हॉस्टल में 88 रूम्स मिल जाते हैं, इनटेक कैपेसिटी 176 स्टूडेंट की है, मतलब एक रूम में 2 स्टूडेंट। और गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो टोटल 80 रूम्स मिल जाते हैं, इनटेक कैपेसिटी 156 स्टूडेंट की है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में मतलब सेम ही मिल जाता है हमें, मेस मिल जाता है, कॉमन रूम मिल जाता है, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाता है, जिम वगैरह मिल जाता है, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर मिल जाता है, वाटर प्यूरीफायर, मैगजीन, ये सब मिल जाते हैं। अब हॉस्टल के फीस के बारे में बात करें तो जो आपका पर ईयर का रेंट है 2,500 आता है, और ये आपको सिर्फ मेरिट के बेस पर मिलते हैं। अगर आपके मेरिट के बेस पर एडमिशन नहीं मिलता हॉस्टल में तो आप कॉलेज के आसपास भी ले सकते हो, आपका पर मंथ का चार्जेस 1,000 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे आप हॉस्टल की इमेज देख सकते हो, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है, गर्ल्स को 7 के बाद और बॉयज़ को 10:30 के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है हॉस्टल के। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो जो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज था 12 लाख गया था, और एवरेज पैकेज 3 लाख गया था। जो हाईएस्ट पैकेज है 12 लाख, ये आपका साल का इनकम है। अब हम अकेडमी केयर के हिसाब से देख लेते हैं हर एक ब्रांच में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और ओवरऑल प्लेसमेंट क्या था। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो 17-18 में सिर्फ 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 18-19 में 20 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 19-20 में 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 20-21 में 34 बच्चों का हुआ था, और 2021-22 में 39 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो आप देख सकते हो पर ईयर मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा होता जा रहा है कंप्यूटर डिपार्टमेंट का, 5 बच्चों से 39 बच्चे तक पहुँच गए।
ENDC डिपार्टमेंट की बात करें तो 17-18 में 10 बच्चों का हुआ था, 18-19 में 9 का, 19-20 में 21 बच्चों का हुआ था, फिर 2020-21 में 9 बच्चों का हुआ था, 21-22 में 34 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 17-18 में 21 बच्चों का हुआ था, 18-19 में 10 बच्चों का हुआ था, 19-20 में 17 बच्चों का हुआ था, 20-21 में 11 बच्चों का हुआ था, 2021-22 में 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। अब हम सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो 17-18 में भी 0% था, 18-19 में 0%, 19-20 में भी 0%, 21-22 में भी 0%, सिर्फ 2020-21 में 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो 17-18 में 7 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 18-19 में 2 बच्चों का हुआ था, 2019-20 में 3 बच्चों का हुआ था, 20-21 में 25 हुआ था, 2021-22 में 58 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें 17-18 में 20 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 18-19 में 12 बच्चों लोग का हुआ था, 19-20 में 8 बच्चों का हुआ था, 2020-21 में 20 बच्चों का हुआ था और 21-22 में 34 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल का भी पर ईयर बढ़ते जा रहा है कट ऑफ। अगर आप यहाँ पर कोर ब्रांचेस की बात करो या टेक ब्रांच की भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर या ENDC डिपार्टमेंट, हर एक ब्रांच में मतलब उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, हर एक में मतलब 50-60% ही प्लेसमेंट दिख रहा है। और सिविल में तो आप देख सकते हो एकदम ना के बराबर प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी थोड़ा है, मतलब 10-15%। अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आपकी पर ईयर की जो इनकम है 10 लाख प्लस होना चाहिए, तो ये कॉलेज आप प्रीफर मत करो, कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट रहे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक ब्रांच में कितने कम बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज का एवरेज पैकेज 3 लाख ही है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज में 1-2 लाख रुपया भर पाओ, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी पर ईयर की फ़ीस है 25,000 के आसपास है, तो आपकी 1 लाख के अंदर 4 साल की मतलब 4 ईयर की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन कैंपस तो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, तो ऑफ कैंपस ट्राई करना, वहाँ पे अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर आपको और कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज करी हुई चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कॉलेज के रिव्यू जानने में और कॉलेज अपना ढूंढने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दे दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना, कॉलेज काउंसलिंग में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और सिटी सेल की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको वहाँ पर तुरंत मिल जाएगी। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और अपने दोस्त लोगों को भी लिंक शेयर कर देना, ज्वाइन होने बोल देना। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।